उत्तर प्रदेश के वाराणसी थाना चोलापुर क्षेत्र अंतर्गत लखराव नवापुर लालमन पुत्र स्वर्गीय कालीचरण रोड के बगल वाली जमीन पर अपना मकान बनवा रहा था। पुरानी रंजिश के कारण सत्यनारायण पटेल पुत्र देवनाथ तथा राजनारायण पटेल पुत्र देवनाथ मनीष पटेल पुत्र अज्ञात अमन पटेल पुत्र अज्ञात निवासी उपरोक्त ये लोग मिलकर लालमन तथा उसकी पत्नी तथा भतीजे के सामने हुई बाउंड्री को गिराने लगे। इस पर पीड़िता का भतीजा विरोध किया, उसको ये लोग मारने लगे। पीड़िता का भतीजा किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाई और मोबाइल से अपने चाचा लालमन को बताया। लालमन वहां पहुंचा तो यह लोग लाठी डंडा और रॉड से पीड़िता के ऊपर वार किया, जिससे कि लालमन का सर फट गया और वह लहूलुहान हो गया तथा रॉड से हाथ पर मारे जाने से पीड़िता का हाथ की हड्डी टूट गई और सर और हाथ में कई टांके लगे। पीड़िता की पत्नी राधिका देवी ने 112 नंबर को सूचना दी। डायल 112 नंबर मौके पर पहुंची, लालमन को लहूलुहान देखकर उस थाने जाने के लिए कहा। अगर पीड़िता राधिका ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उस प्रार्थना पत्र को प्रशासन कर्मियों ने उसको हटवा कर दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाया। पीड़िता का यह कहना है कि मेरे दिए हुए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा प्रार्थना पत्र मारपीट गाली गलौज और धमकी देने का प्रार्थना पत्र लिखवाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारती समाचार। आज मैं वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय पहुंचा हूं, जहां देखने के लिए मिल रहा है सर्जिकल वार्ड में बेड नंबर 2 पे लालमन पुत्र स्वर्गीय कालीचरण निवासी लखराम नवापुरा का है, जिसे जमीन विवाद में यह अपना जो है बाउंड्री करा रहा था, अपने जमीन पे बाउंड्री करा रहा था। विपक्षियों द्वारा इसको मारपीट करके अवस्था में जो है प्रशासन के पास पहुंचा। प्रशासन भी कोई जो है पीड़िता ने जो तहरीर प्रार्थना पत्र दिया था उसका खिलाफत कर करके उसको जो है काट छाट करके अपने हिसाब से जो है तहरीर लिखवाई गई और मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद इनको मेडिकल हेल्प भेजा गया और पंडित दीनदयाल ने आज आपको दिखाता हूँ, देखिए पीड़िता किस तरह से मनासन रूप में जो है यहाँ लेटा हुआ है। हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ जी। आप अपना सबसे बताइए, नाम बताइए। लालमन नाम है इनका, और पिताजी का क्या नाम? स्वर्गीय कालीचरण। स्वर्गीय कालीचरण कहाँ के निवासी हैं? लखराव नवापुरा। अच्छा, क्या हुआ था, क्या मैटर है? वो मैं अपना मकान बनवा रहा था तो मुलजन को मार रहे थे, तो उन्होंने फोन किया कि हमको मार रहे हैं, तो मैं गया देखने के लिए, तो उधर से भी 25 लोग सत्यनारायण गुड्डू प्यारे कांता बिरजू और सत्यनारायण और बाकी अज्ञात में लोग थे, उसकी औरतें भी थी। अच्छा, अच्छा। और बाकी उनके परिवार के सभी लोग थे। आइए जानते हैं, जो है पीड़िता ने यह कहा कि मुझे जो है कुछ नामजद बताया है, कुछ अज्ञात लोगों को बताया है, क्योंकि पीड़िता की पत्नी वहाँ मौजूद थी, उनसे मैं फिर बात करूँगा, यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, कि प्रशासन के द्वारा अभी तक जो है क्या कार्रवाई की गई, यहाँ तक आने तक उनको क्या सुविधा मिली नहीं मिली, इसके बारे में मैं जानूँगा। और FIR दर्ज किया गया है, मगर उसमें काट छाट करके दिया गया है। बड़े शर्म की बात है कि प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि पीड़िता के द्वारा दिए गए तहरीर को प्रार्थना पत्र को काट करके उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया। यह शर्मसार, एकदम शर्मसार है। प्रशासन की मैं निंदा करता हूँ। मैं सर्किल ऑफिसर अजय कुमार श्रीवास्तव वाराणसी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।